एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा कुमार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो में लेकर आई हूँ डिज़ाइनर साड़ी कलेक्शन। जी हाँ, यानी कि आज की वीडियो में मैं साड़ी हॉल शेयर करने वाली हूँ। और आज की जो साड़ी हॉल है गाइस, वो थोड़ी डिफरेंट है। मैंने डिज़ाइनर साड़ियाँ पिक की हैं स्पेशली फॉर मॉडर्न वुमेन, जो लोग थोड़ा सा आप कह सकते हैं मॉडर्न लुक चाहती हैं, ट्रेडिशनल लुक नहीं चाहती। किसी की रिसेप्शन पार्टी है या कोई फेयरवेल है, कोई भी कॉकटेल पार्टी है, उनके लिए आज की वीडियो में मैं साड़ियाँ लेकर आई हूँ। तो अगर आप साड़ियाँ कम पहनती हैं और ट्रेडिशनल साड़ियों में उतना आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि आज की वीडियो में मैं वो साड़ियाँ लेकर आई हूँ जो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं, काफ़ी अच्छे प्राइस पे आपको मिल जाती हैं और साथ में लगती बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और एलिगेंट है, तो आपको पसंद भी बहुत ज़्यादा आएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइस, अच्छे अच्छे साड़ी के कलेक्शन देखने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो अच्छे अच्छे हॉल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर भी कर सकते हैं गाइस। और अगर आप परचेसिंग करना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा, कॉकटेल पार्टी या फिर रिसेप्शन पार्टी या फिर फेयरवेल वगैरह पे आप पहन सकते हैं। तो पहली साड़ी कुछ उसी तरह की है, बिल्कुल कॉकटेल वाली। तो ब्लैक कलर में मैंने साड़ी परचेस की है गाइस, कुछ इस तरह की है, आप देख सकते हैं। पूरी साड़ी पे आपको सीक्वेंस का वर्क देखने के लिए मिलता है और बिल्कुल भी सीक्वेंस निकल नहीं रहे हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जॉर्जेट की फैब्रिक में ये साड़ी आपको मिल जाती है और ये आंचल वाला एरिया है जिसमें पूरे पे भर के सीक्वेंस का वर्क आपको देखने के लिए मिल जाता है। कुछ इस तरह की फिनिशिंग की गई है जो बहुत अच्छी है। जॉर्जेट की फैब्रिक है तो काफ़ी अच्छी लगेगी, कुछ इस तरह से आप किसी के भी रिसेप्शन या फिर कॉकटेल पार्टी पर इस साड़ी को कैरी कर सकते हैं। कुछ इस तरह की साड़ी है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा एरिया है। फिर जहाँ पे प्लीट्स बनाएंगे वहाँ पे आपको हाफ से भी ज़्यादा में ये सीक्वेंस का वर्क मिल रहा है, कुछ इस तरह का देख सकते हैं। कुछ इतना जो एरिया है वो सिर्फ आप कह सकते हैं छोड़ा गया है प्लीट्स बनाने के लिए, ताकि वो आपको चुभे ना। और फिर ओवरऑल पूरी साड़ी पे ये सीक्वेंस का वर्क आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है गाइज। मुझे बहुत पसंद आई ये साड़ी, बिल्कुल सिंपल ब्लैक कलर में है बट बहुत एलिगेंट है। अगर आप डिफरेंट तरीके से इसे कैरी करेंगे तो ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आएगा, काफ़ी मॉडर्न आएगा। अगर आप थोड़ा मॉडर्न लुक चाहते हैं तो ये साड़ी ज़रूर मैं आपको रिकमेंड करूँगी। और ब्लाउज़ पीस की बात करें तो नॉर्मल गोल्डन कलर में इसका ब्लाउज़ पीस, मतलब स्लिप्स मिल जाती हैं कुछ इस तरह की। ये स्लिप्स के लिए आपको मिल रही है फैब्रिक और साथ में ये जॉर्जेट की फैब्रिक अलग से मिल रही है, जिसे आप बैक और फ्रंट डलवा सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर है गाइज। अगर इसके ऊपर आप अलग से सीक्वेंस का ब्लाउज डिज़ाइनर वाला परचेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल ये साड़ी 5-6 हज़ार से कम की नहीं लगेगी। और अगर आप सिर्फ ये वाला सिलवाना चाहते हैं तो ये भी स्टिच करवा सकते हैं, बट साड़ी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ट्रस्ट में आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट जो साड़ी है ये तो आपके लिए वेल नोन होंगी, इस तरह की फैब्रिक अभी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं ट्रेंड में, जो थोड़ा स्ट्रेच होती हैं कुछ इस तरह की, बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो ये भी डिज़ाइनर साड़ी है और ये साड़ी मैंने बहुत सारे आप कह सकते हैं सेलिब्रिटीज़ को इस तरह की साड़ियाँ पहने हुए देखी है, इसलिए मैं आज की वीडियो में ये साड़ी लेकर आई हूँ, क्योंकि फैब्रिक अभी बहुत ट्रेंड में है। तो कुछ इस तरह की आप कह सकते हैं नॉर्मल आप कह सकते हैं, ये आपको बांधने के लिए मिल जाता है, यानी कि आंचल नहीं है, ये बांधने के लिए मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं तो साड़ी कुछ इस तरह की है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत खूबसूरत साड़ी है। इसमें बहुत सारे कलर्स ऐड किए गए हैं और साथ में ये आपको मिल जाता है आंचल के पास का एरिया, और जहाँ पे आपको इसे एक बार रोल करना है कमर के पास वो एरिया। तो ये जो पैटर्न है आप अच्छे से देखकर जान जाएंगे कि किस तरह की साड़ी है, और ट्राई ऑन में तो आपको दिख ही जाएगा। तो बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर साड़ी है, अपने फेयरवेल पार्टी वगैरह के लिए आप ये साड़ी परचेस कर सकते हैं। साड़ी पहनना स्टार्ट कर रहे हैं तो इस तरह की हल्की साड़ियाँ और डिज़ाइनर साड़ियाँ जो लुक देती हैं वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये आंचल का एरिया है, बहुत खूबसूरत साड़ी है गाइज, मुझे बहुत पसंद आई। और ये साड़ी तो अभी काफ़ी ट्रेंड में भी है, तो अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो आपके पास ये साड़ी डेफिनेटली होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, क्योंकि अभी वेडिंग सीजन वगैरह पे या फिर छोटे फंक्शंस पे, फेयरवेल वगैरह पे इस तरह की साड़ियाँ बहुत चलने वाली हैं। और इसके साथ में गाइज आपको मिल जाता है एक ब्लाउज़ पीस जो कि है ब्लैक कलर में। जी हाँ, तो ब्लैक कलर में आपको ये ब्लाउज़ पीस मिल जाता है, चंदेरी कॉटन जो फैब्रिक होती है उसमें नॉर्मल ब्लैक कलर की ब्लाउज़ पीस मिल रही है। आप ये भी स्टिच करवा सकते हैं, अगर इसके साथ कोई और डिज़ाइनर ब्लाउज चाहते हैं तो वो भी स्टिच करवा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। अगर ये साड़ियाँ गाइस आपको पसंद आ रही हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा लिंक करके एक लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं जो भी कलेक्शन मैं आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैंने इन सभी साड़ियों को लिया है बुलबुल ऐप से, तो आप आराम से जाकर मेरा लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको आराम से सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और साथ में आपको उसके ठीक नीचे में व्हाट्सएप का भी लिंक मिल रहा है, अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू परचेजिंग करना चाहते हैं, कुछ कलर चाहते हैं पूछना या फिर साइज़ वगैरह की आप कह सकते हैं कन्फ्यूज़न है, तो आप WhatsApp के थ्रू भी परचेजिंग कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। साड़ी जो है गाइज वो थोड़े से कलर कॉम्बिनेशन में है, कुछ इस तरह की साड़ी आपको देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले ये सीक्वेंस का वर्क आपको पूरी साड़ी पे मिलता है, ये आंचल का एरिया जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ।
तो पूरे आंचल पे इस तरह के फ्लावर्स बनाए गए हैं, साथ में आप कह सकते हैं कि फॉयल प्रिंटिंग की गई है जो बहुत खूबसूरत लगती है। साड़ी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, जॉर्जेट की फैब्रिक में है, तो इस तरह की साड़ी आपको मिल जाती है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, जो बहुत खूबसूरत लगेगी, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। कुछ इस तरह की पूरी साड़ी पे ये फ्लावर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बॉर्डर के पास इतना हैवी फ्लावर वगैरह बनाया हुआ मिल रहा है, साथ में नीचे में सीक्वेंस का भी वर्क है। साड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल है, और अगेन अगर आप नई साड़ियाँ पहनना स्टार्ट कर रहे हैं तो किसी की वेडिंग वगैरह में इस साड़ी को ट्राई करिए, बहुत पसंद आएगा आपको। और अगर आप लाइट वेट साड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं, डिज़ाइनर पहनना पसंद करते हैं, तो आप इसे अच्छे से ब्लाउज सिलवा कर उसके बाद पहनेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। कुछ इस तरह की साड़ी है, और इसके साथ में आपको नेवी ब्लू कलर का ब्लाउज़ पीस मिल जा रहा है, नॉर्मल कह सकते हैं कि चंदेरी कॉटन जो होता है उस तरह की फैब्रिक में। तो आप चाहें तो आप ये वाला भी स्टिच करवा सकते हैं, चाहे तो कोई डिज़ाइनर नेवी ब्लू कलर का ब्लाउज़ पहनना चाहे वो भी पहन सकते हैं। गोल्डन ब्लाउज भी इसके साथ अच्छा लगेगा अगर आप अच्छे से स्टिच करवाते हैं या परचेज करते हैं तो आप इसके साथ नेवी ब्लू ब्लाउज़ भी ट्राई कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट जो साड़ी है वो क्रेप की फैब्रिक में है, और कुछ लड़कियों को या लेडीज़ को प्लेन साड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं, तो एक मैंने प्लेन साड़ी ली है इस तरह के फेस कलर में, आप कह सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है ये जो कलर है। और साथ में इस पर आप देख सकते हैं गोटा पट्टी का वर्क आपको सिल्वर कलर में मिल जाता है। पूरी साड़ी जो है प्लेन है गाइस, और क्रेप की फैब्रिक में है, बहुत खूबसूरत है और अफोर्डेबल प्राइस पर मुझे मिली है, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। नीचे में भी गोटा पट्टी का वर्क है, ऊपर में भी है, और साथ में आपको नीचे में भी एज बॉर्डर मिल रहा है। बाकी ओवरऑल पूरी साड़ी प्लेन है, बहुत खूबसूरत लगती है। जो इसका फॉल है वो बहुत अच्छा आता है क्योंकि क्रेप फैब्रिक में, तो ये आपके बॉडी में अच्छे से सेट हो जाती है और बहुत डिज़ाइनर और ब्यूटीफुल लुक देती हैं। साड़ी की लेंथ वगैरह सभी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं गाइस, मुझे बहुत पसंद आई। और ब्लाउज़ की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि थोड़ी सी आपको ये फैब्रिक मिल रही है जिसमें आप बैक और फ्रंट डलवा सकते हैं, कुछ इस तरह की ये इसमें अटैच की गई है। और साथ में आपको गोल्डन कलर की भी फैब्रिक अलग से मिल रही है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसे आप अपने स्लिप्स वगैरह में लगवा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगी। आपको ये साड़ी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, मुझे ये साड़ी स्पेशली बहुत अच्छी लगी, अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। डिज़ाइनर पीसेस हैं, आई नो हैवी वर्क नहीं है इनमें, या फिर आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कलर्स ऐड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया था कि साड़ियाँ जो है वो थोड़ी डिज़ाइनर होने वाली हैं, तो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। सो गाइस नेक्स्ट जो साड़ी है ये भी काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी यूनिक है। वैसे इस तरह की साड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं, बट ये जो टेसल्स आपको आंचल के साइड में मिल रहे हैं ये थोड़ा यूनिक आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है। वैसे मैंने ये नॉर्मल साड़ी परचेस की थी एक रेड कलर में, या फिर आप कह सकते हैं पिंक कलर में, बट उसमें ये वाले टेसल्स नहीं लगाए हुए थे। तो ये भी बिल्कुल डिज़ाइनर साड़ी है। मैं बार बार कहूँगी कि अगर आप न्यू एज गर्ल हैं और साड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं, या फिर चाहते हैं कि इस सीज़न से आप साड़ियाँ स्टाइल करना स्टार्ट करें, तो इस तरह की साड़ियों को रिकमेंडेशन मिल लीजिए, क्योंकि ये लाइट वेट भी होती हैं और डिज़ाइनर लुक भी देती हैं। तो इस तरह की साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, और ये साड़ी भी अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। आपने बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को या फिर यूट्यूबर्स को भी इस तरह की साड़ियाँ पहने हुए स्टाइल करते हुए देखा होगा, तो आप समझ सकते हैं कि अभी ये बहुत ट्रेंड में है। और अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो इस तरह की साड़ियाँ आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी लाइट वेट होती हैं और अफोर्डेबल प्राइस पे होती हैं, बट लुक इनका बहुत अच्छा आता है। तो साड़ी कुछ इस तरह की गाइस सिंपल है जैसे कि मैंने आपको बताया, और कुछ इस तरह का लुक आता है। डेफिनेटली आप इसे आराम से अच्छे से डिज़ाइनर ब्लाउज का स्टिच करेंगे, मतलब पहनेंगे, तो बहुत यूनिक लुक आएगा। आजकल वैसे भी लाइट वेट साड़ियाँ और हैवी ब्लाउजेज ट्रेंड में है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको भी ट्राई करना चाहिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है। और अगर ब्लाउज पीस की बात करें गाइस, तो इसके साथ आपको सेम इसी तरह का ब्लाउज पीस वैसे मिल जाता है, इस तरह का आप देख सकते हैं, सेम फैब्रिक है, सेम कलर वगैरह है। बट मैं एडवाइस करूँगी कि आप इसके साथ इसका सेम ब्लाउज ना पहने, कोई भी डिज़ाइनर ब्लाउज पहने तो लुक बहुत अच्छा लगेगा, और साड़ी का जो लुक है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये थी गाइस आज की हॉल वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। परचेजिंग करना जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा आसान है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फर्स्ट लिंक ही आपको मिल जाएगा परचेजिंग करने के लिए, तो आप आराम से परचेजिंग कर सकते हैं। 5 days की आपको इजी रिटर्न एंड एक्सचेंज की पॉलिसी मिल जाती है, इन केस अगर कुछ ऐसा होता है कि आपको पसंद नहीं आया या आपकी साइज़ नहीं आई। वैसे साड़ियों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ और आप परचेज़ करते हैं, आपकी साइज़ नहीं आई, आपको फिट नहीं आया, तो आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। फ्री शिपिंग मिल रही है, कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑफर आपको मिल रहा है, तो आप आराम से परचेजिंग कर सकते हैं गाइस। और मेरा एक कोड भी है, अगर आप मेरे कोड को यूज़ करते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कोड दे दूंगी, मेरा कोड जरूर चेक कर लीजिएगा, जब भी आप परचेजिंग करें मेरे कोड को अप्लाई करिएगा ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए